हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिब्लिंग्स। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, नंबर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर आईसीसी बोर्ड क्लास 7th का। उसमें हमने एक्सरसाइजेस भी कवर कर ली थी। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक में जो कुछ कन्वर्जन दिए हुए हैं ना, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा उन क्वेश्चन की और बताइएगा कि आपके आंसर्स कैसे आए। विदाउट एनी चीटिंग करिएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। कुछ डाउट रहता है तो आप देख के अपने डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन अवर एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर सिस्टम यूज्ड इन अवर डेली लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारी डेली लाइफ में नंबर सिस्टम यूज किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इट हैज बेस 10 एज इट यूजेस 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। उसकी बेस वैल्यू 10 होती है क्योंकि ये 10 डिजिट्स यूज करता है 0 से 9 तक। डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में द सक्सेसिव पोजीशंस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट रिप्रेजेंट यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो सक्सेसिव पोजीशंस आती हैं, वैल्यूज जो होती हैं, नंबर्स जो होते हैं, उसमें डेसिमल के लेफ्ट में जो पॉइंट लगता है उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज आती हैं, जो भी पोजीशंस आती हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, ऐसे तो पढ़ते हैं हम, तो वही चीज वो शो करती है डेसिमल के लेफ्ट में। लेकिन ठीक है, ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 10। और हर एक जो पोजीशन होती है, चाहे यूनिट्स की हो, टेंस की हो, हंड्रेड्स की हो या सो ऑन, कोई सी भी हो, वो उसकी खुद की एक स्पेसिफिक पावर होती है बेस 10 की। ठीक है, तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, राइट देयर नेम्स। कंप्यूटर्स में कितने तरह के नंबर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स, व्हिच आर, कौन कौन से हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड लास्टली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम्स हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स 2 टाइप्स ऑफ डिजिट्स। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स के डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, एक होती है 0 और एक होती है 1। सो बेस क्या हो गया सिस्टम का, 2 हो गया, ये 2 डिजिट्स यूज करता है। सो दिस सिस्टम यूजेस 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस। इसलिए ये सिस्टम जो है 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस यूज करता है। अगर पल्स की एब्सेंस है तो वो 0 है, और प्रेजेंस होती है अगर पल्स की तो वो 1 शो करता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाइनरी सिस्टम के, इट यूजेस 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 2 नंबर सिस्टम। ईच पोजिशन इन बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट्स अ 0 पावर ऑफ बेस 2। हर एक पोजिशन जो होती है बाइनरी नंबर में वो 2 की पावर दिखाता है, दिखाता है। हमने पढ़े हैं बहुत सारे कन्वर्जन्स किए थे, उसमें ऐसे ही पढ़ा था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, ऐसे पढ़े थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दीजिए। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 टाइप्स के डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो है आपकी 0 से 7 तक। सो बेस क्या हो गया आपका ऑक्टल नंबर का, 8। इट टेक्स एग्जैक्टली 3 बाइनरी डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल डिजिट। एक ऑक्टल डिजिट जो है वो 3 बाइनरी डिजिट्स मिलकर बनाती है, यानी कि 3 बाइनरी डिजिट्स मिलकर एक ऑक्टल डिजिट बनाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस नंबर सिस्टम के, इट यूजेस 8 डिजिट्स। 8 डिजिट्स यूज करता है, कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस सिस्टम को आप बेस 8 नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। और हर एक जो पोजीशन होती है ऑक्टल नंबर में वो किसकी बेस की पावर दिखाता है, 8 की। ऑक्टल में हम बेस क्या लेते हैं, 8 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इट रिप्रेजेंट 16 टाइप्स ऑफ डिजिट्स। 16 टाइप के डिजिट्स रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिस्टम 0 से 9 तक। और फिर अल्फाबेट्स यूज करता है, 10, 11, 12 ये नहीं लेता, अल्फाबेट्स यूज करता है, क्योंकि 9 के बाद जो 10 है वो 10 तो इन्हीं डिजिट्स को यूज करके बनाया ना, 0 से 9 तक के सारे डिजिट्स को यूज करके बनाया, इसलिए वो ए से एफ तक अल्फाबेट्स लेता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस नंबर सिस्टम के, इट यूजेस 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स। ठीक है, 10 डिजिट्स और 6 अल्फाबेट्स यूज करता है ये सिस्टम। लेटर्स जो आपके नंबर से स्टार्ट, लेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, जिसे जो 10 से स्टार्ट होते हैं, ए यानी कि 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15 को शो करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 16 नंबर सिस्टम, या फिर आप अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। अल्फा यानी अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक यानी नंबर्स, तो इसलिए हम इस सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कन्वर्जन्स कंप्लीट करेंगे, तो प्रैक्टिस कीजिए।
अच्छे से वीडियोस देखिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। आप कमेंट करना ना भूलें, कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और हम जल्दी ज्योग्राफी की सीरीज भी लाने वाले हैं। आपको कोई और चैप्टर या कोई और टॉपिक पहले पढ़ना है तो बता दीजिए, हम आपको वो पढ़ा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।